दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमने प्लान बनाया है कहाँ जाने का, वो मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन कई दिन से प्लान बन रहा था, छूट जा रहा था। आज जाएंगे, कल जाएंगे, पिछले दो संडे छोड़ चुका हूँ मैं। लेकिन आज टाइम मिल गया तो अभी हम निकलेंगे, फिर मैं बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में आखिरी तक बने रहना, आई होप आप सबको मजा आएगा। कौन सी बात करते रहते इतने धीरे धीरे, सुना ही नहीं दिखता। अभी हम बताएंगे, पहले डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, फिर बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी तो हमें मेट्रो स्टेशन जाना है। अभी हो रहा है मेट्रो को, हो रहा है 10:08, लगभग हम पहुँचेंगे 11 बजे। देखते हैं, 11 बजे पहुँचते हैं, 11:30, 73 मिनट है यहाँ से, 11:30 बज जाएंगे। कैसे हम कहाँ हैं और कहाँ जाने वाले हैं, अगर पता चल जाए तो अभी कमेंट कर देना। कितना बदलना पड़ेगा मेट्रो, एक बार हमने राजीव चौक बदली, पर कसरी गेट और अभी जेल में। एक जगह ट्रैवल करने के लिए जहाँ लगने आधा घंटा, वहाँ लगेंगे हमें 1 घंटा। कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। चलो, अभी कितना टाइम हो गया, अभी टाइम हो गया है 11, मैं कह रहा था 11 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन 11 बजे नहीं पहुंच पाएंगे हम, 11:30 बज जाएंगे। ओ चलो, मिलते हैं आगे, फिर बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। फाइनली घंटों की मेहनत के बाद अपने डेस्टिनेशन के करीब। अभी दिखाता हूँ कहाँ आए। बदल। अब तो पता ही चल गया होगा नहीं कि हम आए कहाँ है। यहाँ देखो टैंक है, टैंक असली है, पुराना है लेकिन खड़ा कर रखा है। इसका एंट्रेंस ढूंढते हैं, फिर वहाँ चलते हैं। ये देख के ऐसा क्यों लग रहा है गेट बंद है, धक धक हो रहा है। किया उस तरफ से एंट्री। देखो इस स्टेशन पे कनेक्ट करने के लिए आपको दो जगह, एक ही स्टेशन है। देखो इधर अगर आना है तो एक ही अभी लाइन है मेट्रो से कनेक्ट होने के लिए, वो है शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, रेड लाइन पे पड़ता है, आखिरी स्टेशन है। आप रिठाला या इंदर लोग या राजीव चौक या कश्मीर गेट कहीं से भी आते हो, ये आखिरी स्टेशन है शहीद स्थल, यहाँ से आपको कनेक्ट कर सकते। हम भी पहली बार आए हैं और पता नहीं कि एक्चुअली एंट्रेंस है कहाँ। ये वाला गेट दिख रहा है बंद, देखते हैं गार्ड वार्ड से पूछते हैं है कहाँ एंट्री, फिर चलते हैं आगे। इंडियाज फर्स्ट RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, उधर से है एंट्रेंस गेट, उस पर ट्रैवल करने और आपको दिखाने। तो चलो मेरे साथ बने रहना व्लॉग के अंदर, पूरी वीडियो दिखाएंगे, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फुल एयरपोर्ट जैसा लगता है, देखो यहाँ से है इसमें एंट्रेंस। ये इस जगह से मेन गेट बंद है, ये वाला हम यहाँ से आए, छोटे सा गेट है एंट्रेंस, ये है लिफ्ट। चल 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 चल। अच्छा, और ये देखो भाई लिफ्ट की बात, पहली बार मैंने लिफ्ट में टीवी देखी, ये स्क्रीन लगी इधर। देखो भाई पूरा खाली खाली है, यहाँ से टिकट ले सकते हो इस जगह से। बाकी यहाँ वेंडिंग मशीन है, यहाँ से हम ट्राई करके देखेंगे। सेलेक्ट जर्नी क्लास, रुक जरा नीचे वाली कर, सेलेक्ट द डेस्टिनेशन, यहाँ तक जाइए दुहाई तक। प्लीज सेलेक्ट द स्टेशन, क्या था ये दुहाई साहब। Please select journey type and the number of tickets. Single teen hai na. Please select the payment option. Scan QR for payment. Where? 180. Thank you. Have a nice trip. The robot. Khub advanced machine hai. Bhai yahan photo khichayega. Is taraf bhi kafi jagah hai. Teen hogi. Dekho la. Where mein nikal kar rahe hain. Teen hai na.
एक बॉक्स तू ले ले, प्रीमियम ये भी तू ले रहे। हाईटेक चीज़ें लगी हैं, दिखा। हाँ यहाँ लगाना है। बहुत शिट मतलब आप सही से लगा, इस वाले पे लगा क्या हो? कौन स्कोर का एरिया पूरा खाली है अभी देखते हैं ना, रुक जा। शायद ये एयरपोर्ट वाली फील है, पर बहुत खाली खाली सा ये स्टेशन। और हमें किस तरफ जाना है? हम इस तरफ जाना है, इस तरफ तो उधर से मिलेगी ये तो हाईटेक है। सी क्लोजिंग, बड़ी हाईटेक मेट्रो है भाई ये, कहीं से भी आप कंफ्यूज नहीं सकते। इस जगह हिंदी इंग्लिश हर जगह। ये हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। ऑसम, खोल दो ये। मस्त जगह है भाई, मस्त मस्त, फुल विदेशी जगह। उधर भी कुछ है, आजा हम चले। हमें तो प्रीमियम लॉन्ज में जाना है, प्रीमियम। एक पल के लिए आपको बहुत खाली खाली लगेगा ये मेट्रो स्टेशन, और जो भी रैप मेट्रो ही कह लो, मेट्रो का एक मॉडर्न वर्जन है, बहुत ही हाई टेक। और मज़ा ही आ गया यहाँ तो आके यार। अभी हमें जाना है प्रीमियम लॉन्च। ये जो एरिया, ये स्टैंडर्ड एरिया, प्रीमियम जो है आगे पड़ेगा। तो प्रीमियम की टिकट मैं दिखा चुका हूँ, अभी उस जगह ले चलता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई चीज़ ऐसी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। भाई साहब, हिंदी इंग्लिश एवरी सिंगल चीज़ बताते हैं कि आप किस जगह खड़े हो, मेट्रो का गेट किस तरफ खुलेगा, लिफ्ट के गेट किस तरफ खुलेंगे, एवरीथिंग। मज़ा आ गया। खाली बैठे हो, बोर ना हो, तो न्यूज़पेपर रखे हैं, पढ़ सकते हो यहाँ से। अभी हमें उसी तरफ चलना है। प्रीमियम वाला एरिया किस तरफ है? मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ? इस तरफ है, उस तरफ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ वो है, आइए उधर ही चलते हैं। सेम मेट्रो की ही तरह इसमें एक लेडीज कोच है, जो हर मेट्रो में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी चार जो हैं स्टैंडर्ड है, एक प्रीमियम है। तो प्रीमियम वाले की हमने टिकट ली है, इधर से हम प्रीमियम में जाएंगे, उधर से हम स्टैंडर्ड में आएंगे। बस हवा निकल गई। एरिया, यहाँ की सीटें, सिटिंग फैसिलिटी देख सकते हो। और ये स्टैंडर्ड एरिया, जो कि नॉर्मल मेट्रो की स्टेशन की तरह दिखता है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाँ इस तरफ जाएगी मेट्रो, दोहाई हमें जाना है तो इस तरफ जाएगी, 3 मिनट में आने वाली है। चलते हैं अभी इधर। ओके, लंबी स्क्रीन, ये हो गया स्कैन, हम बैठेंगे इस पे। भाई सब मज़ेदार जगह है। यहाँ वेंडिंग मशीन है, इफ़ यू हैव मनी, है ना, तो ये वेंडिंग मशीन के मज़े ले सकते हो। ये देखो भाई, ये लगे फोटोग्राफी में। QR की सुविधा है और टेक्स कॉइन, कॉइन नहीं QR भी है। ये रहा ना इस जगह, दोनों को तो बुला लिया, हमेशा उलझ जा रहे हैं एक जगह। लगा सही से, हमेशा उलझ जा रहे हो तुम दोनों। पीछे होके लगा, थोड़ा दूसरे पे लगा, दूसरे पे लगा। हाँ सही से लगा। फाइनली जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। ये आ रही है ट्रेन, टन 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 टन, स्लोली स्लोली हम जाएंगे उस तरफ। वीडियो बना ले ऐसे पोर्ट्रेट में, हाँ रील के लिए। बहुत तेज हो रहे हैं। इस तरफ जाएगी, गेट इधर है, ये बटन। तो प्रीमियम लोग हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। उस तरफ है स्टैंडर्ड कोच और ये है प्रीमियम कोच, और हम तीनों इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। ये है ब्लाइंड फोल्ड। अगला स्टेशन फील्स लाइक एकदम प्रीमियम चीजें दी हुई है भाई, मजा आ गया। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी। और ये है फुटरेस्ट,
अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो आराम से आप उस पर पैर रख सकते हो। ये जा रही है दिल्ली मेट्रो और ये है यूपी मेट्रो। वाह क्या सीन है। सो यहाँ चार्जिंग पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, बोतल होल्डर्स हैं और यहाँ कुछ हैंग कर सकते हो बैग वगैरह या इफ यू हैव समथिंग सूट। और ये बोतल होल्डर्स ऐसी हर जगह हर सीट पे दी हुआ है। जब हम स्टैंडर्ड में ट्रैवल करेंगे तो उसके बारे में भी इसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी दिखाने वाले हैं। ट्रैवल एक्सपीरियंस 100% सेटिस्फाइंग है भाई, मज़ा आ गया। देखो भाई कोई नहीं कहेगा ये चीज़ इंडिया में चलती है। बढ़िया है। इसकी ये भी बहुत मस्त है। अभी हम स्टैंडर्ड में चलेंगे, उधर से वापसी आते वक्त तो वहाँ का भी दिखाएंगे। कई मेट्रो स्टेशन गलत जा रहे हैं, कई मेट्रो गलत पड़ रहे हैं। अभी स्टेशन देखो वापसी जाना पड़ रहा है, गलत डायरेक्शन में आ गए। कैसा लगा भैया तुम दोनों को? एकदम मस्त। हाईटेक इधर आ जाए, इस तरफ खुलेगा, इसे फिर से दबाना पड़ेगा दरवाजा खोलने के लिए। हाँ हाँ मतलब फालतू में कोई चीज नहीं है यहाँ पर। ये रही वेंडिंग मशीन जो कि अभी लगी नहीं है। वो जब ट्रैवल करेंगे ज्यादा लोग तो अभी देखो इसे दबाने के बाद ही खुलेगा। अब फिर हमें दोबारा जाना पड़ेगा। शिट। हैं? ये काम करती यार, इससे पूछ लेना था स्कैन हो जाए। हाँ हाँ हम बस ना ना उस पार चलेगी बाप ने। हाँ कभी मेट्रो गलत चढ़ रहे हैं, कभी स्टेशन पे भटक रहे हैं। अभी हम प्रीमियम की टिकट लेके स्टैंडर्ड में ट्रैवल कर रहे हैं। ओरे बाबा कितनी गलत बात है ना ये। आरटीएस वालों से रिफंड चाहिए हमें। खैर हमारी गलती है, हमें पता ही नहीं चला। अभी अगले स्टेशन में बदल के देखते हैं। मुबारक एग्जिट होने के बाद पता नहीं चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, देखते ट्राई करते हुए बाकी फिर इसी में ट्रैवल करेंगे। वो दिखा तो चुका हूँ स्टैंडर्ड, ओ सॉरी प्रीमियम कैसा है। बाकी स्टैंडर्ड में भी हम बैठे हैं। देखते हैं क्या होता है। इसमें भीड़ कम है, बहुत से लोग इसे इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें तो लोग ही ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बट द रियलिटी इज़ ये चीज़ शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं देगी, लॉन्ग टर्म में देगी। एज पीपल गेट टू नो अबाउट दिस वो इसी में ही प्रेफर करेंगे ट्रैवल करना। अंटिल ये मोदी नगर मेरठ तक नहीं जाती है ना, तो तब तक के लिए तो वेट करना पड़ेगा। बाकी मैं दिखाता हूँ उसे कितने स्टेशन और कितने मतलब कितना डिस्टेंस है। चेंज क्यों कर लिया? साई बाबा आ गया, फिर गाजियाबाद, उंदर, दुबई, वहाँ से चेंज मिला। हाँ यही तो जाएगी ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो रहा है। क्या सीन हो गया भाई, ये भाई भागता ही नजर आ रहा है। पर भाई इस ट्रेन में खास बात ये है ना, आपको ऐसा नॉर्मल ट्रेनों में नहीं फील होगा, मतलब मेट्रोस में बहुत ही ज्यादा हाईटेक और बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाली ट्रेन है भाई, मजा ही आ गया। और अभी हम स्टैंडर्ड कोच में बैठे हैं। यहाँ पर डिफरेंस देखो, यहाँ पर आपको फुटरेस्ट नहीं मिलेगा और ना ही कोई टांगने वाली चीज है। सी यहाँ पर अगर मैगजीन या कुछ वैसी चीज़, यूएसबी पोर्ट जरूर मिल जाता आपको हर सीट पे, और ऊपर रैकिंग और स्पीड वगैरह सब दिखाता है। मैं दिखाता हूँ आपको ये, अभी ट्रेन हमारी 94-95-100 तक गई थी जहाँ तक मैंने रिकॉर्ड किया था। अगर ज़्यादा जाती है तो मैं दिखाता हूँ आपको। तीसरी बार बैठेंगे भाई, क्या करें, फर्स्ट टाइम है, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हो ही जाती है ना। तो चलो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कितनी देर में आती है मेट्रो। अभी टाइम दिखा नहीं दिया, पैसे लेते हैं वर्थ इट है। वैसे स्टैंडर्ड की जो है ना वो नॉर्मल 50 रुपीज़ दिखा था और प्रीमियम की 100 रुपये है। तो हमने पहली बार सोचा आए हैं तो प्रीमियम में क्यों ना ट्रैवल किया जाए। तो अभी तो हम प्रीमियम में ट्रैवल कर रहे हैं, वापस आएंगे स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। और एक चीज़ क्या, वो कन्फ्यूज़न मुझे ऐप में तो ये दिखा रहा था 100 रुपये पर पर्सन, मतलब 300 रुपये हम तीन जने हैं और यहाँ पर 180 रुपये की
ये ऐसा तो नहीं जैसे दिल्ली मेट्रो में संडे के दिन हाफ हो जाती टिकट, अगर वैसा कुछ है तो बहुत बढ़िया मज़ेदार है। अभी देखते हैं कितनी देर में मेट्रो आती है, मतलब ट्रेन आती है, फिर चलते हैं यार। तो टाइम ड्यूरेशन ना हो टिकट का वरना फाइन लगेगा। जाया नहीं आया? आया 100 रुपये इसके ऊपर खर्च किए मैंने, इससे लेने हैं 100 रुपये फिर है ना, 100 रुपये तो इससे लेने ही लेने हैं इंटरेस्ट के साथ हो। AS2 लिखा, A04 लिखा तेरे पे। स्टेशन कोड है, टिकट इज वैलिड फॉर डे, डेट ऑफ इशू प्लीज रिटेन दिस टिकट द अंटिल द जर्नी। यहाँ पर कोई ऐसी टाइमिंग नहीं लिखी यहाँ, यू आर हेल्पिंग टू रिड्यूस 32 ग्राम, ओके आई थॉट कुछ और लिखा है। इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, एक घंटे तक वैलिड है, आई थिंक ये पूरे दिन के लिए वैलिड होता होगा, पूरे दिन तो नहीं कुछ घंटे तो होंगे बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है भाई इसमें। लंबा ट्रैवल है, पूरे दिन के लिए ही होता होगा मेरे ख्याल से तो, क्योंकि इसमें भाई 10-10 दिन हर स्टेशन के बीच में कितना गैप है मेरे ख्याल से, यहाँ वाले में तो कम है वैसे, 10 किलोमीटर है एवरी, हाँ 10 किलोमीटर है हर स्टेशन के बीच में, जहाँ तक मैं वीडियोस में देखा है और जाना है, शायद हो सकता मैं गलत हूँ बट ऐसा ही कुछ है। ये तो मेरे को पास लगा, बाकी जब मोदी नगर तक जाएगी मेरठ तक तब और ज़्यादा मज़ा आने वाला। बोर हो रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ लो और पैसे तो वहाँ खर्च कर लो। आ गई हमारी ट्रेन RRTS नमो भारत ट्रेन, पहले इसका नाम रैपिड एक्स था, अब इसका नाम रैप ओ, क्या कर दिया नमो भारत ट्रेन, लाइक नम फंदे भारत वैसे ही नमो भारत। टाइम इसकी टॉप स्पीड चेक करने का, आई डोंट थिंक वो भी टॉप स्पीड पे ही चलती है बट जितनी स्पीड पे चलता है वो मैं दिखा, क्लीननेस मजेदार, चमक रही है चमक रही है। और उतरने का समय आ गया है भाई, हम पहुंच चुके हैं दुआई डिपो, चलिए चलते हैं उतरते हैं। पीछे से कौन देख रहा है ये बट ऐसा चीज आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रीमियम में है ये वाला बटन। और दोबारा सीट को उसी पोजीशन पे लाने के लिए सेम बटन को प्रेस करो, और देखो कितने आराम से सीट अपनी पोजीशन में आ रही है। ऐसा लगता कुछ टूट गया। रैपिड एक्स जाना पड़ेगा, एग्जिट करेंगे, करते हैं यहाँ से एक्सिट, एग्जिट तो दोबारा करेंगे स्टैंडर्ड में ट्रैवल, फिर चलेंगे घर। घुस के आ गए, भूल भुलैया सी होगी हमारे लिए, कंफ्यूज नहीं कर। अबे फिर सही जगह है ना, इस तरफ से मोदीपुरम के लिए और इस तरफ दो आई डिपो, हम उतर गए थे यहीं, बल्कि हमें आगे जाना था। मैं इस सोच में हूँ कि हमें फ़ाइन ना देना पड़े, कि मेट्रो में ऐसा होता है कई बार अगर आप लेट ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ता है। भाई ट्रेन आगे ट्रैवल करते हैं, फिर चलते हैं दुहाई डिपो, फिर वहाँ उतरते हैं। सेलेक्ट करना पड़ा होगा, क्यों करें हम, बड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं नहीं लेने वाला, मैं तो बैठने वाला हूँ। आ जा तुम देखो ट्राई करके। और इधर लगेज, ये तो अभी भी नजर पड़ी भाई, 2-3 बार हम उतर चुके, फाइनली अब पहुँचेंगे दुहाई डिपो, यह ट्रेन वहाँ उतरे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, तो हाई डिपो पहुंच चुकी है, व्हिच इज आवर डेस्टिनेशन, यहाँ उतरेंगे उसके बाद फिर से यहीं से टिकट लेंगे वापस घर की ओर, चलते हैं यहाँ पर। तो मशीन चल रही है, अच्छा तेरे पास है ना, मैं इधर वाले से लगा देता हूँ, स्कैन हो जा, इट्स टेक टाइम थोड़ा सा है, दो आई डी हाँ छोटा सा है भाई, मस्त है। ये रही हमारी ट्रेन और ये रहे हम, कुवर्ड सा लग रहा है ना, खाली खाली, इसको भी सील कर दे तो अच्छा नहीं है, सी वेट ही जोड़ रखा है उसमें, वेट सीधा ही बन रहा है,
इसीलिए वो जगह खाली है। और ये वॉशरूम यहाँ पर भाई पैसे नहीं लगते वॉशरूम वगैरह के, लाइक दिल्ली मेट्रो। और अभी तो रुको, पैसे ही बंद हो जाना है। इसमें पीने के पानी के लिए भी यहाँ पर ये ऐसा कुछ है, है? क्यों बेकार? इसमें क्या बेकार है? देखो मैं पी के दिखाता हूँ। सीधे सीधे टोटी दे देते, हैं? क्या जरूरत है ऐसे लगा के? धूप तो बहुत कड़क है। हाईवे वो जा रही है हमारी ट्रेन, कहीं नहीं जाएंगे हम यहीं से वापस। फिर हाईवे बनता है भाई, आप सभी को इस ट्रेन में ट्रैवल करना। एलस्ट्रोम क्या है? एलस्ट्रोम और एनसीआरटीसी ने मिल के बनाया। एनसीआरटीसी को इसका कमांड दे रखा है, मतलब वही हैंडल करती है सारे ऑपरेशन इसके। मेरे सामने तीन चार और खड़ी है, मैं दिखाता हूँ जिनको पन्नी से आई थिंक कवर कर रखा है। मैं दिखाता हूँ कहाँ है ट्रेन। वो देखो भाई तीन चार खड़ी है। स्टेशन बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्लीननेस A1, ट्रैवल एक्सपीरियंस इज ऑल्सो A1। मज़ा आ जाता है यहाँ ट्रैवल करके। इसमें वो खड़ी ये जो जगह है ना, पूरे गाँव एरिया में पूरा पूरा गाँव है। गाँव इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए ऊपर वो बना फुट ओवर ब्रिज, और तीन चार ट्रेनें आप मेरे आगे भी देख सकते हो। ये देखो एलस्ट्रोम ने बनाई है इस ट्रेन को, जिसको पहले रैपिड एक्स कहा जाता था। और अब यहाँ से एंट्रेंस इसकी, और अब इसे कहते हैं नमो भारत। अभी हम वापस चलने वाले हैं यहाँ से, ट्रेन वापसी की टिकट लेंगे। ऊपर कहाँ से हमने पकड़ी थी, साहिबाबाद जाएंगे। आपकी स्टैंडर्ड मिली है, थोड़ी पैसे ज्यादा लग गए ना, क्या करें। कितने लगे थे? 180 और इसमें 90, मतलब आधे का फर्क है। 60 रुपए की थी और इसमें 30 रुपए की है। अगर वैसे नॉर्मली 50 की होती है तो 100 होते, और 60 है तो 30 है। यहाँ संडे इसलिए हाफ लग रही है, ऐसा लाइक दिल्ली मेट्रो। यहाँ पर पूरी ट्रेन खाली, आई थिंक एक दो बंदे हैं स्टाफ के, और हो सकता है कोई और भी हो। हम तीनों के अलावा इस डब्बे में मुझे कोई नहीं दिख रहा, और आगे तक भी केवल महिलाओं के लिए। इसमें भी रिजर्व सीटें हैं, बट जिस पर मैं बैठा हूँ कोई रिजर्व नहीं है, तो आई एम सेफ हियर। वहाँ पर है हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर ये स्क्रीन है, स्पीड, डेस्टिनेशन, स्टेशन नेम सब बताता है। और अभी हम चलने वाले, देखते कितनी देर में चलती है। स्टैंडर्ड में तो हेडरेस्ट थोड़ी सीट इतनी होती है ना, और ये रिक्लाइन भी नहीं होती, पैर के लिए नहीं, आप टिका सकते हो यहाँ पर, बट ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, अजीब सा। साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इस साल के अंत तक आई थिंक मेरठ तक कनेक्ट हो जाएगी, और भी सर गवर्नमेंट ने प्लान किया और भी स्टेट में चलाने की, राजस्थान, हरियाणा के कुछ एरियो तक, यूपी में ऑलरेडी हो चुकी है, उड़ रही है। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा सामान है ना, इन ऊपर रैकों के अलावा आपको जगह नहीं मिल रही अब नहीं, तो आप इसके नीचे रख सकते हो, बहुत स्पेस है। इसीलिए शायद इस सीटों को इस तरीके से बनाया हुआ है। प्रीमियम में भी ऐसे ही है हर जगह, और साथ में ये हैंडल्स दे रखे हैं, अगर कोई खड़ा है तो वही पकड़ के, बाकी वो ऊपर तो हैंडल है ही है। RRTS का सबसे ग्रीन स्टेशन यही होने वाला है। ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन ये रैपिड मेट्रो की है, और ये ब्लू लाइन है ये मेरठ मेट्रो की है, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर हम कुछ समय बाद इन दोनों का दोनों पे ही ट्रैवल कर सकते हैं, बट अभी तो ट्रेन जो है कहाँ से चलती है, ये स्टेशन बन रहा है, ये स्टेशन भी बन रहा है, और यहाँ पर हमें, यहाँ से हम होके आए हैं, यहाँ पर है।
ट्रेन अगर चली गई ना तो 10 से 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। क्या करें, हमने तो वैसे भी 3-4 बार छोड़ चुके हैं, 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है इंतज़ार करते करते। देखते हैं कितनी देर में आती है। कुछ सिग्नलिंग प्रॉब्लम बता रहे हैं, इंतज़ार करने के अलावा कोई और तरीका है नहीं। अभी हम खाली खाली चिल रहे थे, इसे देख के तो नहीं लगता भाई ये खाली रहने वाली है, भरी है पूरी ट्रेन। इसकी स्पीड कितनी जा रही है, पहुंच चुके हैं गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन, वहां से रेड लाइन और फिर घर। कितनी भीड़ है, ये है हमारी ट्रेन। करते हैं इस ट्रेन को बाय बाय। मेट्रो भी इधर से ही है, इधर से भी है, चल आज इधर से ही चल। TS की लिफ्टों को जरा हल्के में मत लेना, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। LP, UP, GC, लोअर अपर एरिया, पेड एरिया, कंफ्यूज हो गया हम तो। जब फर्स्ट टाइम एंटर की तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो रहे हैं यार, कई बार तो वहीं रह रहे हैं और हमें लग रहा है हम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। भाई साहब बहुत हाईटेक है भाई, बहुत ये क्या बन रहा है पता नहीं। किसकी फोटो, किसके 120, ये रेंट वेंट वाला फोटो खींच के डाल लेते। कौन डालता है 120 रुपए? ये तो लेटेस्ट न्यूज है, रेंट वाले की फोटो डालो मतलब वैकेंट की, तो कह रहे 120 रुपए मिलते हैं, ये मुझे नहीं पता था। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.